नमस्कार। अब हम अपने इस कोविड के चतुर्थ भाग के अंतर्गत समाज के बारे में पढ़ेंगे। आपको सामान्य भूमिका के अंतर्गत बता दिया गया था कि संस्कृत में समाज का एक विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट महत्व है। श्लोकों को समझने के लिए अथवा भाव को ग्रहण करने के लिए समास की प्रक्रिया से परिचित होना अनिवार्य है, क्योंकि शब्द अनेक बार मिल जाते हैं। अंततः समास से क्या अभिप्राय है, समास कैसे किया जाता है, समस्त पद किसे कहते हैं, विग्रह अवस्था क्या होती है, जोड़ने के क्या प्रयास होते हैं, आदि आदि अनेक सोपान है जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए हम अपनी पुस्तक के अर्थात कोविद के पहले पाठ के इस खंड को देखते हैं। यहां थोड़ा सा मैं एक सूचना के रूप में बताना चाहूंगा, यदि हम समास को भली भांति जानना चाहते हैं तो संस्कृत भारती की एक पुस्तक है समासः। यह महाबलेश्वर भट्ट महोदयेन लिखितं पुस्तकं वर्तते। बेंगलुरुतः इदं पुस्तकं प्रकाशितं अस्ति। तत्र समास संदर्भे अनेके विभिन्न बिंदवः प्रदत्तः सन्ति। पश्यन्तु बृहत् सूची तत्र वर्तते। बहु सम्यक रूपेण सरल संस्कृत द्वारा अत्र समासस्य स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते। तत्र सूत्राणि अपि सन्ति, अनेकानि उदाहरणानि अपि सन्ति। मम अनुरोधः भविष्यति, मेरा अनुरोध होगा, कृपया आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस पुस्तक के अभ्यासों को, इस पुस्तक के सूत्रों को, इस पुस्तक की सामग्री को भी पढ़ते हुए चलिए, तो उससे समाज पर आपका एक अच्छा शास्त्रीय अधिकार हो जाएगा। शास्त्रीय से मेरा अभिप्राय है केवल ऊपर का ज्ञान नहीं, केवल सतही ज्ञान नहीं, अपितु गहराई में हमारी पकड़ बनेगी। अंततः इससे अभिप्राय क्या है और कैसे समास किया जाता है, व्याकरण शास्त्र के रूप में यदि हम लेते हैं उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। आप यहां देखेंगे मैंने चार वाक्य लिखे हैं और शेष छह वाक्य आपकी पुस्तक में भी हैं। हम सभी वाक्यों को पढ़ेंगे। यहां उदाहरण के लिए मैंने इन वाक्यों को लिखा है, यह स्पष्ट होना चाहिए। यहां हम केवल सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अत्र वयम् सामान्यम् परिचयम् प्राप्स्यामः, सामान्यः परिचयः। अगले पाठ से हम थोड़ा सा समास के भेदों को लेते हुए प्रत्येक भेद पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। 10 पाठों में यह समास की प्रक्रिया दोहराई गई है। आइए हम पहला वाक्य देखते हैं और मेरा अनुरोध है आप अपनी पुस्तक भी अपने हाथ में लीजिए। समास परिचय, जैसे जैसे मैं वाक्य पढ़ूंगा आप भी साथ पढ़ेंगे और उसके भिन्न बिंदुओं को मैं स्पष्ट करता हुआ चलूंगा। पहला वाक्य है विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणौ अरण्यम गतवन्तौ। द्वितीयं वाक्यं वर्तते शबरी दशरथ पुत्रस्य रामस्य परम भक्ता आसी। तृतीयं वाक्यं वर्तते बालः पुस्तक हस्ताम शारदाम नमस्कृतवन्तः। चतुर्थं वाक्यं अस्ते हो मित्र नूतनम कृष्ण फलकम आनय। यहां आप एक बात सोच रहे होंगे, मैंने इन वाक्यों में कुछ पदों को लाल स्याही से लिखा है, जैसे राम लक्ष्मणौ, दशरथ पुत्रस्य, पुस्तक हस्ताम, कृष्ण फलकम, क्यों? मूल कारण यही है, हमारा जो पाठ्य बिंदु समास है ये चारों पद
इसी समास प्रक्रिया के ही उदाहरण हैं। अर्थात हम इन लाल स्याही से लिखे हुए पदों की ओर विशेष ध्यान देकर इस संपूर्ण समास की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। नीचे मैंने फिर इनके बारे में कुछ विस्तार से लिखा है, वह बाद में पढ़ेंगे। आइए हम पहले और वाक्यों को पढ़ते हैं। पुस्तक में लिखे इन वाक्यों को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो कुछ पद स्थूल रूप में दिए गए हैं, अंग्रेजी में बोर्ड रूप में दिए गए हैं। कानिचित पदानि एतेषु वाक्येषु स्थूल रूपेण दृश्यन्ते, यानी पदानि स्थूल रूपेण दृश्यन्ते तानि पदानि एव अहम् मूलतः अत्र रक्तवर्णेन लिखितवान। जो जो इसमें पद स्थूल रूप में दिखाए गए हैं मैंने प्रायः उन्हीं को ही लाल स्याही से लिखा है और नीचे स्पष्ट किया है उसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए। पहले हम कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। कालिदास विरचितम काव्यम सर्वहि पठनीयम्। अस्मिन् वाक्ये कालिदास विरचितम इति पदम स्थूल पदम दृश्यते। अग्रिमे वाक्ये वीरपुरुषः सर्वदा दृढ़चित्तः भवन्ति। एवमेव हिमालय पर्वतः अत्युन्नतः अस्ति। अत्र हिमालय पर्वतः इति पदं स्थूल रूपेण दृश्यते। गुरुदेवाय नमः। अत्र गुरुदेवाय इति पदं स्थूल रूपेण दृश्यते। नवमे वाक्ये महिलाः विशाल सभांगणे चर्चां कुर्वत्यः सन्ति। विशाल सभांगणे इति पदम अत्र स्थूल रूपेण दृश्यते। दशमे वाक्ये पाणिनिः महावैयाकरणः आसी। महावैयाकरणः इति पदम स्थूल पदम अत्र दृश्यते। हमें इन्हीं स्थूल पदों की ओर ही ध्यान देना है। उदाहरण के रूप में लेकर यहां जो चार उदाहरण दिए गए हैं उन्हें देखेंगे, फिर अगले पदों पर भी हम विचार करेंगे। आप यहां देखेंगे राम लक्ष्मण, हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां दो पद दिखाई देते हैं, राम लक्ष्मण। इसलिए मैंने उनके बीच में एक रेखा डाली है, हाइफन के रूप में लिया है। तत्र रेखा रूपेण किंचित हम दर्शितवान कि तत्र राम पुनः लक्ष्मण, बाद में लक्ष्मण बना कैसे बना, जैसे जैसे हम समास की प्रक्रिया को समझेंगे तो हम इस बात को जानेंगे। परंतु बहुत स्पष्टम अस्ति राम लक्ष्मण इति एकम पदम दृश्यते, परंतु अस्मिन् एकस्मिन् पदे मूलतः पद द्वयम् अस्ति राम लक्ष्मण। और इसे हम अलग दिखाना चाहते हैं तो हम लिखते हैं रामः च लक्ष्मणः च। एवमेव दशरथ पुत्रस्य, अत्रापि दशरथ पुत्रस्य पद द्वयम्, दशरथ पुत्रस्य, और फिर अलग अलग करें दशरथस्य पुत्रस्य। एवमेव पुस्तक हस्ताम्, अत्रापि पश्यामः पुस्तक हस्ताम्, पुस्तकम् हस्ते यस्यः ताम्। थोड़ा सा ऊपर की अपेक्षा यहां परिवर्तन अधिक दिखाई देता है। हम जब बहुली समास पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम भली भांति जानेंगे। कृष्ण फलकम्, अत्र भी किम अस्ति कृष्ण फलकम्, और फिर कृष्णम फलकम्। इस प्रकार से राम लक्ष्मण दशरथ पुत्रस्य पुस्तक हस्ताम कृष्ण फलकम्, अनेन प्रकारेण अग्रिमेषु वाक्येषु अपि एतादृशानि पदानि सन्ति, आगम्यताम् वयं पठामः। पञ्चमं वाक्यं स्वीकुर्मः। कालिदास विरचितम्, तो कालिदास विरचितम्। वीरपुरुषः सर्वदा दृढ़चित्तः भवन्ति। वीरपुरुषः, पुनः तत्र शब्दद्वयम् वीरपुरुषः, फिर दृढ़ चित्ता। तो इस प्रकार से यहां भी हम दो पदों को देख रहे हैं।
हिमालय पर्वतः, तो हिमालय पर्वतः। जैसे यहाँ राम लक्ष्मण दशरथ पुत्रस्य पुस्तक हस्ताम कृष्ण फलकम एवमेव अत्रपि हिमालय पर्वतः। अग्रिमे वाक्ये गुरु देवाय, गुरु देवाय, इसमें भी ये दो शब्द आए हैं। अग्रिमे वाक्ये नवमे वाक्ये महिला विशाल सभांगणे चर्चाम कुर्वत्यः सन्ति, विशाल सभांगणे। यहां तो और भी अधिक पद दिखाई दे रहे हैं, विशाल सभा अंगणे। हम अभी मूल रूप से विशाल सभांगणे को दो रूप में लेकर चलेंगे, विशाल सभांगणे। महावैयाकरण दशमे वाक्य, पाणिनि ही महावैयाकरण आसी, महावैयाकरण। ये जो दस वाक्य हैं, इनमें जो ये दस पद हमने देखने का प्रयास किया है, यहां बहुत स्पष्ट रूप से हम जान सकते हैं कि मूलतः यहां दो या तीन पद थे और फिर मिलाकर हमने एक पद बनाया। यदि आप इन चारों उदाहरणों को देखते हैं, ऊपर लिखा है समस्त पदम, और यहां देखेंगे विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। समस्त का अर्थ क्या होता है? एक साथ। समास का अर्थ क्या होता है? सम आस, एक साथ रखना, जोड़ना। जब हम कई पदों को जोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कई पदों को जोड़कर एक पद बना देते हैं, वह प्रक्रिया समास की कहलाती है। वह प्रक्रिया समास की कहलाती है, वह समास हो जाता है, और जो परिणाम के रूप में निकलता है वह समस्त पद कहलाता है, और जब हम अलग अलग कर देते हैं वो विग्रह बन जाता है। अर्थात राम लक्ष्मणों में राम चह लक्ष्मण चह, ये जो चार आप देखेंगे, राम एक पद है, च अव्यय पद है, लक्ष्मण द्वितीय तृतीय पद है, च पुनः चतुर्थ पद के रूप में अव्यय के रूप में है। तो यहां राम लक्ष्मण एक पद है, यहां चार पद बन गए हैं, अलग अलग कर दिया गया है। जब अलग अलग की प्रक्रिया आती है वो विग्रह है, और जब एक साथ की प्रक्रिया बनती है तो वह समस्त पद है। इस प्रकार से दशरथ पुत्र से समस्त पद है, पुस्तक हस्ताम समस्त पद है, कृष्ण फलकम समस्त पद है, लेकिन इन्हीं का राम च लक्ष्मण च विग्रह है, दशरथ से पुत्र से विग्रह है, पुस्तकम हस्ते यस्याताम विग्रह है, कृष्णम फलकम विग्रह है। हमारे मन में प्रश्न हो सकता है जोड़ा कैसे है, वो बाद के पाठों में देखेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है वो समस्त पद बन जाता है। जब उस समस्त पद को फिर अलग अलग कर देते हैं तो वह विग्रह पद होता है, विग्रह अवस्था कहलाती है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया समास के अंतर्गत होती है। इस समास प्रक्रिया के अंतर्गत अनेकों नियम लागू होते हैं जो हम बाद में जानेंगे। अब हम अपने अगले वाक्यों में थोड़ा सा इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पास पंचमम वाक्यम कालिदास विरचितम, तो इसमें कालिदास विरचितम समस्त पद होगा। कालिदासेन विरचितम विग्रह रूप होगा, कैसे बना वो बाद में जानेंगे। वीर पुरुषः, वीरः पुरुषः, अलग अलग करेंगे विग्रह अवस्था, वीर पुरुषः समस्त अवस्था। हिमालय पर्वतः, हिमालय पर्वतः, अलग अलग करेंगे विग्रह अवस्था, हिमालय पर्वतः समस्त पद के रूप में हमारे सामने है। गुरुदेवाय एवमेव गुरु देवाय, अलग अलग करेंगे तो विग्रह बनेगा, लेकिन गुरुदेवाय एक साथ लाएंगे तो समस्त पद बनेगा। आप यहां अपने इस पुस्तक में नीचे दिए गए उदाहरणों को थोड़ा स्पष्ट करके जो दिखाया गया है उन्हें भी देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा आप देखने का प्रयास कीजिए। दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र, दशरथ का
पुत्र। नील मेघ काला बादल, पंच पांडवः पांचो पांडव, राम लक्ष्मणौ राम और लक्ष्मण, पुस्तक हस्तः जिसके हाथ में पुस्तक है वह, उपवृक्षम वृक्ष के समीप। मैं संकेत देता जा रहा हूं बार बार, इनका विस्तार से परिचय बाद में करेंगे, कैसे उनका मिलान हुआ, कैसे उन्हें अलग किया, क्या क्या नियम है, कौन सा समास है, कौन सा भेद है, इस दृष्टि से बाद में विचार करेंगे। यहाँ तो केवल एक सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं कि समास से अंततः अभिप्राय है क्या, समस्त पद किसे कहते हैं, विग्रह अवस्था क्या कहलाती है। नीचे फिर कुछ उदाहरण दिए गए थे, उन उदाहरणों को थोड़ा विग्रह वाक्यों के साथ स्पष्ट किया गया है। विग्रह वाक्य से क्या अभिप्राय है, मैं संकेत दे चुका हूं। ये जो विग्रह अवस्था है, राम चह लक्ष्मण चह, इसे विग्रह वाक्य के रूप में भी कहते हैं। विग्रह अवस्था है, यहां जो आपके पुस्तक में विग्रह वाक्य लिखा है उससे अभिप्राय है विग्रह अवस्था। यह समस्त पदम, यहां विग्रह। आइए देखते हैं उदाहरणों में दिए गए पदों का किस प्रकार से विग्रह हुआ है। दशरथ पुत्र, दशरथस्य पुत्र, हम एक इसे देख चुके हैं। यहां तो सह तो वाक्य के कारण आ गया है, लेकिन दशरथ पुत्र यदि हो जाए तो दशरथस्य पुत्र बनेगा। नील मेघ, पंच पांडवः, राम लक्ष्मणश्च। अब सोच सकते हैं, यहां तो मैंने लिखा है रामः चह लक्ष्मणः चह, यहां तो दिखाई दे रहा है रामश्च लक्ष्मणश्च, फिर हमें थोड़ा पुराने पाठों की ओर जाना होगा, शिक्षा के अंतर्गत देखना होगा, परिचय के अंतर्गत देखना होगा, संधि के नियमों की ओर ध्यान देना होगा कि जब विसर्गों के बाद च आता है तो विसर्ग को श हो जाता है, तो यही हुआ था रामः च, तो विसर्ग के बाद च है, परिणामतः रामश्च, इसलिए आपको यहां दिखाई देगा रामश्च। इसी प्रकार से लक्ष्मणः च, विसर्ग है च है और मिलकर बन गया लक्ष्मणश्च। पुस्तक हस्तः, विग्रह अवस्था दी गई है, पुस्तकम हस्ते यस्य सः, यहां हमने देखा पुस्तकम हस्ते यस्य ताम, थोड़ा सोच सकते हैं लेकिन ध्यान दे रहा होगा, यहां है पुस्तक हस्ताम, द्वितीय विभक्ति लता के रूप, थोड़ा ध्यान कीजिए, लताम पुस्तक हस्ताम, और यहां पुस्तक हस्तः पुलिंग लगता है इसलिए यहां स दिखाई देता है, लेकिन यहां द्वितीय दिखाई दे रही है और हस्ताम क्योंकि शारदा शब्द आगे आ रहा है तो विशेषण विशेष्य के कारण हो गया है, तो इसलिए पुस्तकम हस्ते यस्य ताम। इसका विस्तार हम बाद के पाठ में जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे, मैं संकेत दे चुका हूं, तब देखेंगे। और उपवृक्षम वृक्षस्य समीपे, आप तो सोचेंगे यहां तो वृक्षस्य समीपे में तो उप नहीं है, तो हम अव्ययी भाव समास में पढ़ेंगे, समीप के अर्थ में उप का प्रयोग होता है, उप एक अव्यय के रूप में आया है और जब इसका उपयोग होता है तो वह पहले आ जाता है, इसलिए उपवृक्षम बना, फिर उसके नियम लिखकर उपवृक्षम यह बन चुका है, हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो भूमिका दी गई है आप उसे पढ़कर देखिए, तो उन्हें यही बातें समझाने का प्रयास किया हो गया। फिर एक श्लोक दिया गया है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिभिः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। यहां चार स्थानों पर समास है, श्लोकार्धेन ग्रंथ कोटिभिः परोपकारः परपीडनम्, उसी का ही विश्लेषण किया गया है, श्लोकस्य अर्थः तेन श्लोकार्धेन, ग्रंथानां कोटयः ताभिः ग्रंथ कोटिभिः, परेषां उपकारः परोपकारः, परेषां पीडनं परपीडनं, अर्थात
श्लोकस्य अर्थः तेन यहाँ विग्रह है, श्लोकार्थेन यहाँ समास है। ग्रंथानां कोटयः ताभि विग्रह अवस्था है, ग्रंथ कोटि भी समस्त पद है। परेषां उपकारः विग्रह अवस्था है, परोपकारः समस्त पद है। परेषां पीडनम विग्रह अवस्था है, पर पीडनम समस्त पद है। अधुना वयम् किंचित् अग्रे गच्छामः, किंचित् चिंतनं करिष्यामः। रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ कथम अभवत्, कैसे हो गया, क्या प्रक्रिया रही होगी। दो उदाहरणों से मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करूंगा इसी परिचय के अंतर्गत, और फिर जब हम द्वितीय भाग पढ़ेंगे दूसरे पाठ में तो कुछ आगे की ओर भी जाएंगे, लेकिन बीच में एक और महत्वपूर्ण कार्य होगा जो इसके बाद में करूंगा। हमारे पास विग्रह अवस्था थी रामः च लक्ष्मणः च। हम थोड़ा ध्यान दें, आखिर रामः इस पद का पद परिचय क्या है। तो हम देख सकते हैं राम मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति का है, एक वचन का है, च अव्यय पद है, लक्ष्मणः मूल लक्ष्मण है, प्रथमा विभक्ति है लक्ष्मणः की, एक वचन है और यह अव्यय पद है, और फिर हमने मिलाकर राम लक्ष्मणौ बनाया था। अब स्वरूप क्या रहता है, राम और लक्ष्मण ये हमारे पास मूल रूप हैं, जिसे हम प्रातिपदिक कह देते हैं। प्रातिपदिक इति वयम वदामः। समास की प्रक्रिया में जो पहला सोपान होता है, आप पहले सभी पदों को उनके मूल रूप में ले आइए। अर्थात रामा का राम आया, इसका जो प्रथमा विभक्ति और एक वचन था इसे हम हटा देंगे। ऐसे ही लक्ष्मण का मूल रूप ले लिया और ये जो हमारे पास इसका रूप था उसे भी हटा देंगे, और बीच में जो अव्यय पद आ रहे हैं उन्हें भी हम हटा देंगे। परिणामतः रामः का राम बचा, लक्ष्मणः का लक्ष्मण बचा, च हट गया, ये भी च हट गया, तो साफ क्या रह गया, राम लक्ष्मण। अब देखिए राम एक हुआ, लक्ष्मण एक हुआ, तो कितने हुए, दो। इसका अर्थ है कि द्विवचन का उपयोग होगा। राम अकारांत है, लक्ष्मण भी अकारांत है। समास में ध्यान रखिएगा, जो अंतिम पद होता है उसका अंतिम वर्ण क्या है, लिंग क्या है, रूप उसी की तरह से चलेगा। पहले हम शब्दों को जोड़ेंगे, जब शब्द जोड़े तो राम लक्ष्मण यह बन गया। और हम जानते हैं संस्कृत में एक नियम है, जब भी वाक्य लिखा जाएगा अपदम न प्रयुंजीत, ये तो शब्द बन गया, प्रातिपदिक बन गया, लेकिन हमें तो इसका प्रयोग यदि वाक्य में करना है तो हम इसके रूप चलाने होंगे। अब यहां प्रथमा विभक्ति थी तो स्वाभाविक है यहां भी प्रथमा विभक्ति का उपयोग होगा, लेकिन अंतर यह होगा ये दो हैं तो राम लक्ष्मण द्विवचन में लाना होगा। अब रूप चलाने हैं तो अंतिम वर्ण क्या है, तो अंतिम वर्ण लक्ष्मण में अ है, लिंग क्या है, पुल्लिंग है, तो रूप पुल्लिंग में चलेंगे, अकारांत पुलिंग, लक्ष्मण शब्द अकारांत पुलिंग में बनेगा, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ, क्योंकि दो हैं, चाहे यहां राम मिल रहे हैं लेकिन रूप चलाते हुए राम लक्ष्मण ये द्विवचन को ध्यान में रखते हुए, अकारांत को ध्यान में रखते हुए, पुल्लिंग को ध्यान में रखते हुए हम इसका रूप बनाएंगे राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। तो हमारे पास क्या सोपान रहा, पहली बात विग्रह अवस्था के जो पद हैं उन्हें प्रातिपदिक में ले आइए। दूसरा सोपान, यदि बीच में अव्ययों का प्रयोग हो रहा है उन्हें हटा दीजिए। तीसरी बात, उन पदों को उन शब्दों को आपस में जोड़ दीजिए। अगली बात, अग्रिम वार्ता तत्व वर्तते,
वचन संदर्भे कति शब्द तत्र संति इति गणनाम करवंतु, कितने शब्दों का मिलन हुआ है उसे देखिए। फिर रूप चलाइए, रूप चलाने के लिए अंतिम पद देखिए, उसका लिंग देखिए, वो अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, अंतिम वर्ण क्या है, उस दृष्टि से उसके रूप चलेंगे। और जब रूप चलेंगे तो लिंग को देखते हुए स्वाभाविक जैसे राम लक्ष्मण का हमने राम लक्ष्मण बना दिया, तो राम च लक्ष्मण च बन गया राम लक्ष्मण। एक और उदाहरण लेते हैं, दशरथ से पुत्र हम देख रहे हैं। दशरथ से पुत्र में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। पुत्र प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। तो दशरथ से का प्रातिपदिक क्या है, दशरथ। पुत्र का प्रातिपदिक क्या है, पुत्र। अब हम जोड़ रहे थे इन्हें आपस में, तो बीच में जो विभक्ति की बाधा आ गई थी उसे समाप्त कर दीजिए, अव्यय की बाधा आई थी उसे समाप्त कीजिए, फिर ये बन जाएगा दशरथ पुत्र। लेकिन यहां जो षष्ठी थी वो हटी, पुत्र का भी प्रथमा हटी। अब ये इस प्रकार से च का भाव नहीं है, इन दोनों का आपस में एक संबंध है, बात तो एक की है, यानी पुत्र की बात है, यानी पुत्र गच्छति, दशरथ का पुत्र जा रहा है, दशरथ साथ नहीं जा रहा, दशरथ से पुत्र गच्छति, तो एक व्यक्ति है, तो यहां वचन नहीं होगा, यहां तो एक वचन ही रहेगा, तो मिलकर बन जाएगा दशरथ पुत्र। इसका विस्तार हम भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम देखेंगे दशरथ पुत्र लिखकर इकट्ठा, फिर हम लिख देंगे दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र आगच्छति, दशरथ पुत्र गच्छति, दशरथ पुत्र उपविशति। अर्थात एक वचन को ध्यान में रखते हुए हमने दशरथ पुत्र लिखा, और क्योंकि यह अंतिम इसका अ है और पुल्लिंग में है तो रूप चले अकारांत पुल्लिंग की भांति दशरथ पुत्र। इस प्रकार से इस परिचय के अंतर्गत हमने पहले पढ़ा था कि अंततः समास की प्रक्रिया क्या है, फिर हमने जानने का प्रयास किया कि समास करते हुए समस्त पद क्या कहलाता है, फिर विग्रह अवस्था क्या कहलाती है, फिर संक्षेप में यह जानने का प्रयास किया अंततः समास किया कैसे जाता है। समासा इत्यनेन कह अभिप्राय, समास किसे का, बहुत सुंदर ढंग से छोटे से समझाया, समसनम समासः, दो या दो से अधिक पदों को जब मिलाकर एक बना दिया जाता है, संक्षिप्त रूप जो कहलाता है, आसपास बैठा दिया जाता है, बीच की बाधाएं हटा दी जाती हैं, उसे कहते हैं समसनम, अर्थात पदों को मिलाने की प्रक्रिया समसनम समासः समास कहलाती है। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण दिया, अनेकस्य पदस्य एक पदि भवनम समासः इत्यर्थः, यानी समसनम समासः से अभिप्राय है, अनेकस्य पदस्य अनेक पदों का एक पदि भवनम, एक पद के रूप में ले आना, उन्हें एक पद बना देना समासः इत्यर्थः, वो समास कहलाता है। तो समसनम से अभिप्राय है अनेकस्य पदस्य एक पदि भवनम, अनेक पदों का एक पद में रूप ले आना। यथा सीतायः पतिः सीतापतिः, सीतायः पति, तो सीतायः एक पद था, पतिः द्वितीय पद था, और मिलकर बनाया सीतापति। हम थोड़ी सी इस प्रक्रिया को समझें, सीतायः जैसे यहां था दशरथस्य पुत्रः, यहां तो दशरथ अकारांत पुल्लिंग है, सीता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, वो तो सीतायः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, पति ही इकारांत है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है, तो सीतायः पति, सीतायः का मूल रूप आया सीता, पति का मूल रूप आया पति, दोनों को मिलाया सीता पति ही, और बाद में विभक्ति वचनम लगा दिया तो सीता पति ही। फिर कहा बहुत महत्वपूर्ण अंग दिया गया है, समासः सुबन्तानां भवति न तु तिङन्तानां, ये बहुत ही ध्यान दिए जाने योग्य बात है। हम जान चुके हैं अपने पूर्व के पाठों में संस्कृत में दो प्रकार के रूप चलते हैं, जैसे बालकः बालकौ बालकः, लता लते
लतः, और दूसरे रूप हैं पठति, पठतः, पठन्ति, अर्थात पठ धातु के रूप पठति, पठतः, पठन्ति जैसे दशलकारों में रूप चलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रामः, रामौ, रामः ये संज्ञा पद है, पठ क्रियापद था, धातु थी, राम संज्ञा पद है। जब राम के रूप बनाए जाते हैं तो उस समय जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वे प्रत्यय सुप कहलाते हैं, और जब धातुओं के रूप चलते हैं पठ आदि धातु आदि के, तो इनके साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वे तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। हम जानते हैं पठति तो तिंग, बहुत सारे रूप हैं ये। सुप में सु औजस, तो राम सुप है, फिर रूप बनाते हुए अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, वो एक अलग बात है। तो सुबंत और तिंगंत, राम सुबंत है, सुप अंत में है जिसके, प को ब हो गया संधि के कारण, हम जान चुके हैं। पठति, पठति, पठ धातु है, तो क्रिया बनाने वाले रूप और संज्ञा बनाने वाले रूप यानी संज्ञात्मक रूप, तो सुबंत और तिंगंत ये दो प्रकार के पद हमारे पास संस्कृत में आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है, समासः सुबंतानां भवति न तु तिंगंतानां, जो सुबंत पद होते हैं, जो संज्ञा पद होते हैं, समास सदैव उनमें होता है, तिंगंतों का समास नहीं होता। जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय लगते हैं, यथा राम, लता, राजन, महत आदि आदि, सर्वनाम भी सभी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, समास उनमें होता है, न कि पठति, पठतः, पठन्ति आदि जैसे रूपों में, यानी क्रियापदों का समास नहीं होता। ये बहुत ध्यान देने योग्य बिंदु है, कृपया इसे आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे नीचे टिप्पणी दी गई है, क्वचित तिंगंतयो सुबंत तिंगंतयो समासः श्रूयते, कहीं कहीं खादत मोदता, वो कुछ विशिष्ट अवसर हैं, लेकिन सामान्यतः समासः सदैव सुबंतानां पदानां भवति न तु तिंगंतेषु समासः क्रियते, सामान्य नियम विशिष्ट नियम अपवाद रूपेण भिन्न रूपेण चलन्ति। फिर मजेदार बात कही, समासः युगपत द्वयो द्वयो सुबंतयो भवति, अर्थात जब समास किया जाता है द्वयो द्वयो, दो दो का यानी दो दो पदों का एक साथ चलते हुए युगपत एक साथ होता है, द्वंद्वे तो युगपत बहु नाम अपि, लेकिन जब द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे जब भेद देखेंगे, और फिर द्वंद्व समास पर पूरा एक समास का रूप देखेंगे, उसका विशेष रूप है वह, जहां जैसे राम च लक्ष्मण च, ये द्वंद्व समास का उदाहरण था, इनमें अनेक पदों का भी एक साथ समास हो जाता है, अन्यथा सामान्य नियम है कि युगपद के रूप में दो दो पदों का समास किया जाता है, दिखाई एक साथ देता है लेकिन होता वह वस्तुतः दो दो का है। उदाहरण दिया, राज पुरुषागमनम, तो राज पुरुषागमनम, राज्य पुरुष, राज पुरुष, राज पुरुष से आगमनम, राज पुरुषागम, तीन पद हैं, राज पुरुष आगमनम, लेकिन समास कैसे हुआ, राज्य पुरुष, राज पुरुष दो थे, फिर राज पुरुष, राज पुरुष से आगमनम, राज पुरुष आगमनम, दिखाई एक दे रहा है, राज पुरुष आगमनम, तीन उसमें शब्द आए हैं, लेकिन जब समास किया गया पहले राज्य पुरुष का हुआ, फिर राज पुरुष से आगमनम का हुआ, तो इसलिए भाव था युगपद दो का एक साथ किया जाता है। लेकिन हरिहर गुरव, हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिहर गौरव, या तीन पदों का एक साथ कर दिया गया है, यही बात समझाने का प्रयास किया गया है। फिर एक बात और कही, क्या सभी सुबंतों का एक साथ समास हो सकता है, क्या आपस में उनका संबंध नहीं हो तो तब भी हो सकता है, कहते हैं नहीं, सार्थक पदों में होता है, समन्वित पदों में होता है, अन्वित पदों में होता है, जिनका एक सहज स्वभाव संबंध बनता है उनमें होता है, इसलिए एक बहुत सुंदर नियम दिया, परस्परान्वितयो सुबंतयो समासः भवति, परस्परान्वितयो हम अन्वय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, आपसी संबंध, परस्पर आपस में, अन्वितयो जो जुड़े हुए हैं,
जिनका अन्वय हो सकता है, जो जुड़ सकते हैं, जिनमें योग्यता है जुड़ने की, उनका, वो किन की योग्यता है वो विस्तृत नियमों में पढ़ेंगे। तो परस्परान्वितयो सुबन्तयो समासः भवति, परस्पर अन्वित मिलने वाले सार्थक पदों में सुबंत पदों में होता है, हर स्थान पर नहीं होता है, यह बात भी ध्यान देने की होगी है। जैसे राज्यः पुत्रः राजपुत्रः अत्र द्वयो परस्परान्वयः अस्ति, यह दोनों का कि राजा का पुत्र अन्वय है इसलिए दोनों का हो गया। यत्र परस्परान्वयो नास्ति तत्र न समासः, जहां परस्पर अन्वय नहीं होता वहां समास नहीं होता। उदाहरण दिया है, भवति दर्शनम राज्यः पुत्रः चोरस्य धावति, अत्र राज्यः दर्शने अन्वयः, अर्थात राज दर्शने पुत्रस्य चोरे अन्वयः। ये जो अर्धविराम का चिन्ह है यहां से पता लगता है कि आपस में संबंध किसका है। अतः अत्र राज शब्दस्य पुत्र शब्दस्य च परस्परान्वय अभावात् न समासः, उन दोनों में समास नहीं हो रहा कि राज शब्द का और पुत्र शब्द का, इन दोनों का यहाँ नहीं है। जबकि ऊपर हमने राज पुरुष पढ़ा था कि राज्य पुत्र, यहाँ भी दिखाई देता है राज्य भवति दर्शनम राज्य पुत्र चोरस्य धावति, यहाँ भी राज्य दिखाई देता है पुत्र दिखाई देता है। हम भ्रम में पढ़ सकते हैं राज्य पुत्र का राजपुत्र हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहला वाक्य है भवति दर्शनम राज्य, वहाँ राज्य का संबंध इससे है, पुत्र चोरस्य धावति पुत्र का संबंध अलग से है, इसलिए उसका अपना संबंध है। यानी राज्य पुत्र का यहाँ परस्पर संबंध नहीं है, इसलिए राज पुरुष यहां समस्त पद के रूप में नहीं आएगा। दर्शन और राज्य का हो सकता है, पुत्र चोर का हो सकता है चोर पुत्र, राजदर्शनम ये बन सकते हैं, लेकिन राजपुत्र यहां नहीं होगा, क्योंकि दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों का संबंध अलग अलग है, परस्पर नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना होगा, समास जब भी किया जाएगा तो उनमें परस्पर सार्थक अन्वय भाव होना चाहिए। यत्र यत्र समासः क्रियते तत्र अन्वयः भवेत्, परस्परम अन्वयस्य आवश्यकता तत्र वर्तते, किं पदं कस्य भागः तत्र अवधानं दातव्यम्। एवमेव समासे पूर्वत्र श्रूयमाणं पदं पूर्व पदम इति, उत्तरत्र श्रूयमाणं पदं उत्तर पदम इति च व्यवह्रियते। आइए देखते हैं, दशरथ पुत्र, तो पूर्व पद क्या है यहां दशरथ, पुत्र क्या है उत्तर पद, उत्तर कहते हैं बाद को, पूर्व कहते हैं पहले को, तो दशरथ पुत्र यहां पूर्व पद दशरथ माना जाएगा और उत्तर पद पुत्र माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत अनिवार्य है, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब तत्पुरुष कहा जाएगा, समझाया जाएगा, तब कहा जाएगा उत्तर पद प्रधानम, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहां तो सामान्य नियम है, लेकिन पहले ही जान ले कि समस्त पद के दो भाग कर दिए उन्होंने, एक पहले वाला भाग एक दूसरे वाला भाग। पूर्व भाग पूर्व पद कहलाता है, पहले वाला भाग और बाद वाला भाग पुत्र, यहां जैसे दशरथ पुत्र में है, राम लक्ष्मणों में भी इसी प्रकार से पूर्व पद और उत्तर पद हो सकता है, वहां दोनों प्रधान है वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पुत्र उत्तर पद होगा, दशरथ पूर्व पद होगा। इस दृष्टि से हमें ध्यान रखना होगा कि पूर्व पद क्या है उत्तर पद क्या है, क्योंकि समास के नियमों में इनकी जानकारी अनिवार्य होगी। उदाहरण दिया है, चोरात भयम चोर भयम, अत्र चोर इति पूर्व पद, स्वाभाविक है चोर पहले आ रहा है, चोर इति पूर्व पदम भयम इति उत्तर पदम। फिर बहुत सुंदर रूप में कहा, समासे जाते पूर्व पदम उत्तर पदम च प्रातिपदिक रूपेण स्थितम भवति, तथा समस्तात् पदात् विभक्ति योजनीया। मैं आपको ये बता चुका हूं, जब समास किया जाता है पहले जितने भी जुड़ने वाले पद हैं उन्हें प्रातिपदिक रूप दे देते हैं मूल रूप में, जैसे राम राम बना, लक्ष्मण लक्ष्मण बना, च आदि हट गए, दशरथ से दशरथ बना, पुत्र पुत्र बना, इन्हें मिलाएंगे, पहले जो भाव होगा वह प्रातिपदिक के रूप में होगा राम लक्ष्मण, फिर जब ये प्रातिपदिक बन जाएगा फिर अंतिम पद का लिंग, अंतिम पद का वर्ण, अंतिम वर्ण कौन सा है
उसे देखते हुए रूप चलाएंगे, फिर वचन आदि को भी उसी दृष्टि से लेंगे। यानी ये कुछ आवश्यक नियम है, एते केचन आवश्यकः नियमः सन्ति यत्र अवधानम् अनिवार्यम् अस्ति। अतः भवन्तः यदि समासा इति पुस्तकं सावधानं पठिष्यन्ति, कोविद इति पुस्तकेन सह अहं चिन्तयामि बहु सुन्दरं सम्यक् भविष्यति। अत्र हिंदी भाषया सरल रूपेण पाठितम्, अत्र किञ्चित् एकैकं बिन्दुं स्वीकृत्य संस्कृत माध्यमेन पाठितम्। अहं प्रयासं करिष्यामि ये बिन्दवः तत्र सन्ति भवदानुगुणं, आपके स्तर के अनुकूल, बहुत भारी भरकम नहीं दूंगा, आपके स्तर के अनुकूल हैं, उन्हें मैं इस पुस्तक से भी लेता चलूंगा। और उसका मुख्य कारण है आपको इस पुस्तक को साथ में रखकर पढ़ने की आदत बन जाए। भवन्तः अभ्यस्तः भविष्यन्ति कोविद इति पुस्तकेन सह, कोविद पुस्तकस्य बिन्दून् अवगन्तुम् अस्य पुस्तकस्य अपि अध्ययनं भवेत् इति मम इच्छा। इसी पुस्तक में अभ्यास दिए गए हैं, आप कृपया उन्हें अवश्य कीजिएगा। अधः दत्ते राशौ समस्त पदानि असमस्त पदानि च सन्ति, यह एक मंजूषा है, इसमें कुछ समस्त पद हैं, कुछ असमस्त पद हैं। तानि पृथक कृत्य स्तंभ द्वय लिखत, तो ये दो भाग दिए गए हैं, समस्त पद असमस्त पद। जो समस्त पद हैं यहाँ लिखिए, जो असमस्त पद हैं उन्हें यहाँ लिखिए। फिर अधस्तन श्लोके स्थितानि समस्त पदानि चिन्हुत, इस श्लोक में जो समस्त पद हैं उन्हें चुनकर यहाँ लिखिए। इसी तरह से अधदत्तानि पदानि उपयुज्य समस्त पदानि लिखत, फिर यहाँ से आप समस्त पदों को चुनकर लिखिए। इस प्रकार से अभी जब पूरा कर लेंगे समास से संबद्ध अभ्यास है, फिर तद्धित प्रत्यय से अलग चलेंगे, और फिर अंत में आप देखेंगे इनके उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, फिर अपने उत्तरों को इनसे मिलाइए। तो मुझे लगता है इन अभ्यासों को करते हुए आप मूलतः राष्ट्र की सेवा से जुड़ेंगे, समास को जानकर आप मिलकर रहने के भाव को भी पहचानेंगे, महत्व को पहचानेंगे। मैं तो कहा करता हूँ जीवन का भी व्याकरण है, और जीवन में भी समास होना चाहिए। अलग अलग रहने के स्थान पर एक साथ मिलकर रहें, उसमें एक अलग संगीत भी निकलता है, समास तो संगीत है। इतनी बात कहकर मैं बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।